हमारी जमीन हमारा अधिकार, हल्द्वानी चलो की गूंजी पुकार। सड़कों पर उतरे किसान पोस्टर लिए करने लगे पुकार। रेरा के खिलाफ छेड़ दी मुहिम, किसानों ने दी बड़ी चेतावनी। हाथों में बैनर है, हल्द्वानी चलो की पुकार हो रही है, ये क्या माजरा है? किसलिए लोग सड़कों पर उतरे हैं और हल्द्वानी चलने की गुहार लगा रहे हैं? ना तो हल्द्वानी में कोई प्रदर्शनी लगी है और ना ही किसी का वहां पर खेल हो रहा है, लेकिन पोस्टर लेकर ऐसे घूमा जा रहा है जैसे किसी ने वहां पर बुलाया है। वैसे तो नेताओं की रैलियों के लिए पोस्टर सड़कों पर बिछ जाते हैं और कहते हैं कि वहां रैली है चलो, लेकिन ये किस बात के पोस्टर हैं? किस लिए ऐसे लोगों से गुहार लगाई जा रही है कि हल्द्वानी चलो? हमारी टीम ने इस पोस्टर के पीछे और हल्द्वानी चलने के पीछे की पड़ताल की। टीम ने सर्च किया कि आखिर ये लोग हल्द्वानी तो जा रहे हैं लेकिन लोगों को भी कह रहे हैं चलने के लिए। जब हमारी रिसर्च टीम ने पड़ताल शुरू की तो जो रिपोर्ट सामने आई वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा होगा ये आखिर क्या मांग कर रहे हैं जो हल्द्वानी चलने को कह रहे हैं। हल्द्वानी में ऐसा क्या है, हल्द्वानी के पीछे और इस पोस्टर की कड़ी क्या है? तो आखिरकार वो पता चल ही गया कि पूरा का पूरा माजरा क्या है। पोस्टर में लिखा है हमारी भूमि हमारा अधिकार, नैनीताल के साथ अन्याय बंद करो, हल्द्वानी चलो। इन लाइनों से समझ में आया कि पूरा माजरा जमीन और नैनीताल से जुड़ा है, क्योंकि पोस्टर इसी और इशारा कर रहे हैं। पोस्टर बता रहे हैं पूरा विवाद और इनकी मांग क्या है और किस लिए विवश होकर इस सड़कों पर पोस्टर लिए उतरे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भू संपदा नियामक प्राधिकरण यानी रेरा को लेकर किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने किसानों की रेरा एक्ट के विरोध में आयोजित ट्रैक्टर रैली को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। वहीं अब नगर निगम सभागार में एक बार फिर प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय और किसानों के बीच हुई बातचीत फेल हो गई। दरअसल रेरा एक्ट के खिलाफ किसानों में आक्रोश साफ नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि जल्द ही अब किसी भी हाल में प्रशासन को इस मामले पर नतीजे पर पहुंचना होगा, वरना किसान महापंचायत कर एक बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे। आक्रोशित किसानों का कहना है प्रशासन ने रेरा एक्ट एक कमरे में बंद कर बना दिया, जबकि भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा। ये कानून छोटी जोत के किसानों के लिए गले के फांस बन गया। किसानों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेरा एक्ट पर हुई बैठक में प्रशासन उनके सवालों के जवाब देने में विफल रहा। ये बात ही एक सबूत है कि प्रशासन ने इस एक्ट को प्रभावी करने से पहले कितनी पड़ताल की थी। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन इस एक्ट का सही तरीके से वर्गीकरण नहीं करता तब तक इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा और किसान बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लड़ाई किसानों की है, इसमें किसी भी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं है और ना होने दिया जाएगा। यह लड़ाई एक आम किसान की है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का सहयोग मिल रहा है। उधर प्रशासन फिलहाल किसानों से बातचीत के लिए जल्द एक और बैठक करने की बात कह रहा है। बस इसी मुद्दे से नाराज किसानों ने हल्द्वानी चलो की पुकार करने लगे। हालांकि किसानों और अफसरों के बीच बातचीत तो हो रही है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा, जिससे साफ हो रहा है कि अब यह विवाद और बढ़ सकता है, क्योंकि किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं।